Dear students, good morning. Today I am going to discuss question answer of chapter number 8, whose title is Reaching Grandmother's House. And question, this is page number 62. And question number 1, Omna traveled by many different vehicles. ठीक है, after she got down from the train. जब वो ट्रेन से उतरी तो बहुत अलग अलग तरह के व्हीकल्स है उसने जर्नी की थी. कैन यू रिमेंबर वट दीज वर, क्या आपको याद है कि वो कौन कौन से व्हीकल्स थे? यस, देखो उसने बस से ट्रैवल किया था, बोट से, बोट जो फेरी बोट थी उससे, ऑटो रिक्शा से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड ऑन, आपने किन किन व्हीकल से ट्रैवल किया है वो आप अपने लिखेंगे. अभी मैंने अपने खुद के लिखे तो आप, लेकिन आपको अपने खुद के लिखने हैं जो आपने जिन जिन से ट्रैवल किया है. मैंने बस से किया है, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, साइकिल, बोट, कार, एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन, एक्टिवा, ट्रैवलर, और भी हो सकते हैं, अभी याद नहीं है, इतनी ही है अभी. आप अपने हिसाब से लिखना इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट, आपको सबसे अच्छी जो राइड लगी वो किस व्हीकल की लगी वो लिखना है. यहाँ पे मेरा आंसर ट्रेन है, मुझे ट्रेन की सबसे अच्छी लगती है. ठीक है, आप अपना लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, अहमदाबाद ने 16 मई को अहमदाबाद से वो चली थी. हाउ मेनी हार्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमूमाज हाउस, अमूमाज हाउस में तक पहुँचने के लिए. ठीक है, अमूमाज हाउस तक पहुंचने के लिए उसको कितने घंटे लगे ये बताना है. ठीक है, तो टाइम टेकन बाय देम इज नियरली 56 आवर्स, उसको लगभग 56 आवर्स लगे थे, ये नियर अबाउट है क्योंकि ट्रेन से उतरने के बाद टाइम मेंशन नहीं है. लगभग वो शाम को पहुंचे, 7 बजे पहुंचे थे, तो 56 आवर्स लगभग लगे थे उनको. Have you ever been on a long journey? Where did you go? क्या कभी आप लंबी जर्नी पे गए हैं और कहाँ गए हैं? Yes, I went to Odisha to Delhi. जब मैं उड़ीसा टू दिल्ली जाती हूँ तो बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है, तो मैं गई थी उड़ीसा से दिल्ली. और name the different kinds of transport that you took during the journey. जर्नी के दौरान कौन कौन से vehicles, कौन कौन से transport आपने लिए थे वो लिखना है. तो आप अपनी लिखना है यहाँ पर, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिए, मैंने अपनी कार, एरोप्लेन, ट्रैवलर, बस, ऑटो रिक्शा, ये डिफरेंट तरह के मैंने ट्रांसपोर्ट लिए थे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पेज नंबर 63 पे देखिए, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक, तुम्हारी जर्नी ने कितना टाइम लिया था ये बताना है जब आप गए थे. तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, मुझे 2 दिन लगे थे. ठीक है, 2 दिन लगते, 1 day एंड वन कंप्लीट फुल डे, और दूसरा आधा दिन, 1 day लगता है, रात नहीं लगती है. ओमनाज अप्पा बोट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस, ओमना के जो अप्पा थे वो टिकट्स लेकर आए थे ट्रेन और बस के लिए. कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स, कौन कौन से अलग दूसरे ट्रांसपोर्ट है जिनके लिए हमें टिकट्स लेने की जरूरत पड़ती है, बोट के लिए, मेट्रो ट्रेन के लिए, एरोप्लेन्स के लिए हमें टिकट लेने की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर ए प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस, कि किसी भी जगह पे एंट्री के लिए हमें टिकट्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी जगहों पे हमें टिकट की जरूरत होती है? जैसे जू में जाते हैं तो टिकट की जरूरत होती है, सर्कस में, क्रिकेट ग्राउंड में, मैजिक शो में, सिनेमा थिएटर में. ठीक है, और भी जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको पता हो, जहाँ पे हम टिकट लेकर अंदर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर ऑफ द रेलवे टिकट, आपकी बुक में रेलवे टिकट की एक पिक्चर दी हुई है, उसको देखकर देखकर बताना है. फाइंड दीज 4 थिंग्स ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स, टिकट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो बतानी, और जो 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 वहाँ पे हैं उस टिकट के अंदर उनको गोला लगाना है, सर्कल लगाना है. ठीक है, द ट्रेन नंबर, जैसे ट्रेन नंबर है 909037, तो इसको गोला लगा देंगे उस टिकट के ऊपर, बुक के अंदर. द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, किस डेट पे स्टार्ट हुई थी जर्नी, 24/12/2006 को जर्नी स्टार्ट हुई थी. द बर्थ नंबर्स, ये उस बुकट जो टिकट है ना उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, उसके ऊपर
बर्थ नंबर्स हैं 21, 22, 23, हमने क्लास में डिस्कस किया था ये। टिकट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं ये, टिकट की इंफॉर्मेशन देख के। द फेयर मतलब जो किराया है, द कॉस्ट ऑफ द टिकट वो कितनी थी, 2578 रुपीज़ है, मेंशन है उसके अंदर, टिकट के अंदर। राइट अब व्हाट अदर थिंग्स कैन यू फाइंड आउट अब फ्रॉम द टिकट, कौन सी दूसरी चीज़ें आप टिकट से पता लगा सकते हैं जो उस टिकट में इंफॉर्मेशन दी हो उसके हिसाब से। देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ, बोर्डिंग स्टेशन दिया हुआ है कि कहाँ से आप बोर्डिंग कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बांद्रा टर्मिनल से, ठीक है। डेस्टिनेशन स्टेशन दिया हुआ है न्यू दिल्ली, कोच नंबर A1, नेम ऑफ द ट्रेन अवध एक्सप्रेस है, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हैं, PNR नंबर वगैरह भी है उसमें। पेज नंबर 65, अब देखिए सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमनास डायरी, कि उन सभी स्टेशन का नाम बताइए जो ओमना ने अपनी डायरी में मेंशन किए हैं। गांधीधाम उसने किया है, अहमदाबाद, वलसाद और मडगांव, उड़ीपी, कोझिकोड़े और कोटायम, ठीक है। ये गलती से मैंने लिख दिया था बच्चों। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, कौन से स्टेशन से ट्रेन ने स्टार्ट किया था, गांधीधाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पे कितनी देर तक रुकी थी, 20 मिनट्स रुकी थी। ऑन व्हाट डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, कौन से दिन मडगांव पहुंची थी ट्रेन, सेकंड डे पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील एंड एन गोट ऑफ एट कोझिकोड़े, कोझिकोड स्टेशन पे उतर गए थे, ओमना गोट ऑफ एट कोटायम स्टेशन, हाउ मेनी हावर्स डज इट टेक फ्रॉम फॉर द ट्रेन टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोड़े, कोझिकोड़े से कोटायम तक पहुँचने में उसको कितने घंटे लगे थे, 6 घंटे, 6 आवर्स लगे थे, चैप्टर के अंदर पढ़ लेना। और जो हमें एक टिकट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई ना, एक चार्ट दिया हुआ है जो अलग अलग स्टेशन के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे कितनी देर तक रुकी थी, उससे हमें पता चलेगा कि कितने घंटे लगे उसको, ठीक है, कोझिकोड़े से कोटायम तक। वट इज़ द डिस्टेंस दैट ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट, कितना डिस्टेंस ट्रेन ने पूरे रूट में कवर किया, 2649 किलोमीटर्स। ये उसी टेबल से, उसी चार्ट से हमें पता चल रहा है, चार्ट को ध्यान से पढ़ना, उसमें सबसे नीचे दिया हुआ ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। और हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमना ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन में कितना ट्रेवल किया था ओमना ने, 2418 किलोमीटर्स उसने ट्रेवल किया है। कोटायम तक वो गई है, तो कोटायम तक का डिस्टेंस है ये, गांधीधाम से कोटायम का डिस्टेंस, ये भी चार्ट से ही आपको पता चलेगा, चार्ट हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन था, दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।